प्रणाम सर। क्या टॉपिक था? सर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर सरप्लस चल रहा था, उसमें दो टाइप हो गया था सर, अच्छा, प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम और प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम हो गया था। क्वांटिटी वेरिएशन नहीं हुआ था? नहीं सर।
Thank you.
इसको पढ़ो तो यस सर क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस बी क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस हिक्स सेज दैट कंज्यूमर सरप्लस इज अ पैसेज फ्रॉम लोअर इंडिफरेंस कर्व टू हायर इंडिफरेंस कर्व सपोज पेट्रोल एक्स गुड इज यूज्ड बाय कंज्यूमर टू एग्जांपल्स मे बी टेकन to discuss QE, VII and QC, VII.
अब देखो पेट्रोल है केस क्या है स्टार्ट विथ नो पेट्रोल जीरो पेट्रोल एक्स गुड्स जो है पेट्रोल है यस सर कंज्यूमर के पास ओ ए इनकम है यस सर तो कंज्यूमर का कॉम्बिनेशन क्या है ओ ए इनकम पास में रखता है जीरो पेट्रोल यस सर ए पॉइंट पर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा सर ए पॉइंट पर पेट्रोल जीरो होगा सर उसके पॉकेट में पैसा कितना होगा पैसा सर ओए है सर इनकम ओए है और पेट्रोल वहां पर जीरो होगा अचानक जो है देश में पेट्रोल आने लगा आविष्कार हो गया पेट्रोल का कुआं निकल गया तो बाहर से आया जैसे पेट्रोल आया तो बाजार में क्या आ जाएगा पेट्रोल का प्राइस आ जाएगा क्या आ जाएगा प्राइस पेट्रोल का प्राइस आ जाएगा yes, तो इस प्राइस पर कंज्यूमर जो है ए से खिसक कर वो कहाँ चला जाएगा बी पर yes, sir. तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है लोअर कर्व से हायर कर्व पर चला गया भी कहते हैं फिक्स उसको हम पेट्रोल यूज करने देंगे लेकिन हम उसको ओरिजिनल कर्व पर रखेंगे यस सर तब क्या करेंगे कि उसके इनकम को हम इतना घटाएंगे इसी का पैरेलल लाइन खींचेंगे और उसको कहेंगे आपको हम ए एच इनकम आपका माइनस कर देंगे क्वांटिटी आपको दे रहे हैं कंपनसेटिंग वेरिएशन में आपको क्वांटिटी मिल गया क्वांटिटी आपको मान लीजिए एम है एम पर आप आ गए एम एक्स पेट्रोल आप खरीद रहे हैं ओ एम लेकिन आपका इनकम कितना घट जाएगा यही ए एच जो है इसको कहा जाएगा क्वांटिटी दिया गया है तो क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम इनकम में माइनस किया जाएगा हो गया कंज्यूमर सर
पेट्रोल जैसे इंट्रोड्यूस किया गया बाजार में कंज्यूमर शिफ्टेड टू हायर इन डिफरेंस, तो इकोनॉमी में कंज्यूमर का पोजीशन चेंज हो गया। यस सर, तो चेंज होना नहीं चाहिए, जैसा था वैसा ही रहेगा, पेट्रोल यूज करेगा। यस सर, तो उसका उसको जो प्राइस लाइन है वो अलाउ कर दिए, प्राइस लाइन जो है ए बी ए ए वन उसके जगह उसका एच एच वन अलाउ कर दिए, एच एच वन अलाउ कर दिए, और टेंजेंट कहाँ हो गया, सी बिंदु पर। कंज्यूमर शिफ्ट्स फ्रॉम आई सी टू ए पॉइंट बी टू आई सी वन पॉइंट सी, यस सर, सो दैट ए एच इनकम इज रिड्यूस्ड एंड दैट इज कंपनसेटेड बाय गिविंग पेट्रोल। इसको छीन लिया गया, that it says that consumer is at IC1 in the beginning. At point A on IC1. It says that consumer is at IC1 in the beginning at point A on IC1. A point kis par IC1 par hai? Yes, sir. Now, petrol is introduced in the market. With A1 price line. Consumer shifts from A to B point on from A From A on IC1. A कहाँ पर है? IC1 पर है. Yes, sir. है ना? So, in the beginning at point A on IC1. Now, petrol is introduced in the market. It's AA1 price line. Consumer shifts from A to B. B. On in difference curve. Two. It says this is consumer surplus.
कंज्यूमर सरप्लस सरप्लस मूविंग फ्रॉम लोअर इंडिफरेंस कर वन पर था ये यस टू हायर इंडिफरेंस कर आई सी टू और वेलफेयर और वेलफेयर गवर्नमेंट टैक्स AH income and consumer equilibrium tips from B at IC2 to C at IC1, where he was earlier. Where he was earlier. He was earlier. This is called quantity compensating. Quantity मिला है वो compensate करेगी सरकार. Quantity compensating variation in income, which is AH. May be called universal. कहा कि जैसे पेट्रोल बाजार में आएगा वो ए पॉइंट पर नहीं रह करके प्राइस लाइन AA1 पर मूव करेगा बी पर. यस सर. और वो हायर इंडिफरेंस कर पर चला जाएगा. यस सर. तो कितना पैसा उससे बैक ले लीजिए सो दैट ही इज नाइदर बेटर ऑफ नॉर वर्स देन बिफोर. जहां जैसा था टैक्स लगने के बाद भी एक टैक्स के रूप में लीजिए वसूल लेता है. देयर इज नो एडवर्स इफेक्ट. यस सर. और उतार लिए. यस सर. हैं उतार लिए सर. इसलिए इसका नाम पड़ गया कि कंज्यूमर सरप्लस इज दैट अमाउंट ऑफ इनकम दैट अमाउंट ऑफ इनकम विच इज taken away from the consumer as soon as
पेट्रोल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड यू मस्ट सरप्लस विद दैट अमाउंट ऑफ इनकम. कितना इनकम है वो एएच है ना. यस सर. That amount of income, AH, which is taken away from the consumer as soon as petrol is introduced to the market. Consumer is neither better off nor worse off than before. Before पहले क्या था? A on IC one. Yes sir. अब हो गया now C at IC one. IC one. IC one. दोनों बराबर हैं. Yes. हाँ तो दोनों बराबर है इसका मतलब क्या हो गया? कि neither better off nor worse off than before. This AH income is called as quantity compensating variation in this AH income is called as quantity compensating variation in called as quantity compensating income which is consumer surplus. Consumer surplus. Economics. AH amount of income may be spent on social welfare work bring social justice. Social welfare work brings justice. समझ गए इसको.
यस सर समझ। अब देखिए कि पेट्रोल यूज कर रहा है अब देखिए कंज्यूमर जो है वो पेट्रोल यूज कर रहा है इसी पॉइंट पर और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि नो पेट्रोल टू द सिविलियन, सारा पेट्रोल जाएगा मिलिट्री को, तो बाजार से पेट्रोल को हटा लेगी, पेट्रोल को हटा लेगी। पहले सी पर था तो इतना पेट्रोल लेता था है ना, ये इनकम था उसका, ये प्राइस लाइन था। जैसे पेट्रोल को हटाएगा तो IC2 से वो फिर के कहाँ चलाएगा, IC1 पर क्योंकि उसके पास वो ए इनकम है, पेट्रोल नहीं लेगा तो पूरा इनकम उसके पास रहेगा। यस सर। तो सी से वो ए पर आ जाएगा और ए पर जीरो पेट्रोल हो गया। यस सर। इनकम हो गया उसका वो ए। लेकिन वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए पेट्रोल जैसे विड्रॉ करेगा तो सी पर था वो प्राइस लाइन पर, पेट्रोल गायब हुआ तो चलावेगा किस पॉइंट पर, ए पर। यस सर। ए किस इंडिफरेंस कर पर है, IC1 पर। तो उसका इकोनॉमिक कंडीशन पहले से अच्छा हुआ कि खराब हो गया, खराब हो गया। पेट्रोल विड्रॉ करने से उसका वेलफेयर पोजीशन जो है खराब हो गया। यस सर। दरवाजे पर कार खड़ा है तेरा, पेट्रोल नहीं है, तो वो इंडिफरेंस कर वन पर
डिफरेंस कर वन पर आ गया। यस तो ये कहते हैं कि ए एच वन इनकम जो है इंक्रीज कर दीजिए उसे। इंक्रीज ए एच वन इनकम इफ पेट्रोल इज टेकन अवे। गवर्नमेंट और मिलिट्री यूज। नो सिविलियन, नो सिविलियन कैन गेट पेट्रोल but his income is increased by AH1 so that he is pushed up to IC two at H1 from A at IC1. A at IC1 हो गया जीरो पेट्रोल, जीरो पेट्रोल में आ गया ए पर पहुंच गया। यस तो इट सेड दैट ए एच वन मस्ट बी टेकन अवे, must be given to, must be AH1, AH1 AH1 A H1 money income is increased when petrol is withdrawn from the money income is increased when petrol is withdrawn from the market. Consumer find H1 and C both on IC IC2 both on IC2 per age
neither better off nor worse off than before. This is called quantity equivalent. Quantity equivalent. Quantity equivalent variation. Quantity equivalent variation in income. This is called quantity equivalent variation. This is called quantity equivalent variation in income. Or consumer surplus. From welfare economics, AH1 increase in money income is justified. Be justified. Because consumer is neither better off nor worse off than quantity equivalent variation वो जरा प्रैक्टिस करके याद करके प्रैक्टिस करोगे यस सर और कितना मिनट लगा ये बताओगे ठीक है मेल पर ठीक है कितना मिनट लगा यस सर